नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं जर्मन हैचबैक के सामने जिसका नाम है मर्सिडीज बेंज ए क्लास। 1995 में लॉन्च हुई थी और ये थर्ड जनरेशन आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आती है, शुरू होती है 32 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 37 लाख रुपीज़। ये टॉप मॉडल नाइट एडिशन आप देख रहे हैं। ये थर्ड जनरेशन मॉडल अब इंटरनेशनल मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि फोर्थ जनरेशन ए क्लास 2018 में लॉन्च हो चुकी है। लेट्स सी वो इंडिया कब आती है। फोर्थ जनरेशन ए क्लास का सेडान वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा, प्यार से बेबी बेंज भी कहा जाता है मर्सिडीज बेंज ए क्लास को। मार्क फेदरस्टन ने डिज़ाइन की है ये थर्ड जनरेशन ए क्लास। ए क्लास मर्सिडीज की सबसे पहली छोटी कार थी। अपनी पुरानी जनरेशन के मुकाबले इस थर्ड जनरेशन का डिज़ाइन टोटली चेंज था। ये ज़्यादा लंबी कर दी गई और एक प्रॉपर फैमिली कार बनाई गई है। जर्मनी, हंगरी, फिनलैंड और मैक्सिको में असेंबली होती है ए क्लास की। और ये हैं एलईडी हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स। यहाँ पर बैजिंग भी दी गई है हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स की। और ये है डायमंड रेडिएटर ग्रिल। A45 AMG भी आती थी बट वो इंडिया में लॉन्च नहीं करी गई। 1500 CC, 1800 CC डीजल इंजन, 2000 CC पेट्रोल इंजन और 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आती थी ए क्लास, बट वो मॉडल्स भी इंडिया नहीं लाए गए कभी। ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, रेड, वाइट और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है। ज़्यादा स्पोर्टी लुक के लिए डीकल किट का भी ऑप्शन है। 4.3 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है। और ये हैं 17 इंच के 5-spoke लाइट अलॉय व्हील्स। एक्स सीरीज में 16 और 18 इंच के अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन है। आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और ये टॉप मॉडल नाइट एडिशन की बैजिंग। मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंट ड्राइव है जो हैंडलिंग और व्हीकल के आसपास की चीज़ों को मॉनिटर करेगा और किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में ड्राइवर को वॉर्न कर देगा। ब्लू एफिशिएंसी है कम पॉल्यूशन के लिए। और ये एलईडी टेल लैंप्स। और ये A180 की बैजिंग, मर्सिडीज का लोगो। फॉर्मेटिक फोर व्हील ड्राइव है ए क्लास। डायनामिक सेलेक्ट के अंदर 4 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, कंफर्ट, स्पोर्ट, इको और इंडिविजुअल। मर्सिडीज कहती है कि ए क्लास को 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी में ना ले जाएं। सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, अटेंशन असिस्ट, अडेप्टिव ब्रेक कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एक्सेलरेशन स्किड कंट्रोल, ISO फिक्स, चाइल्ड सीट माउंटिंग और रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। रियर वाइपर भी मिलता है ए क्लास में। यंग क्राउड को टारगेट करने के लिए बनाई थी मर्सिडीज बेंज ने ए क्लास। और ये सनरूफ। ए क्लास इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये एंट्री लेवल मर्सिडीज है। ए से जैसे अल्फाबेट चालू होते हैं वैसे ही मर्सिडीज में कार्स ए क्लास से चालू होती हैं। ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर भी नाइट एडिशन की बैजिंग है, टॉप मॉडल है नाइट एडिशन। आइए पीछे का बूट होल कर देखते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है 341 लीटर की बूट स्पेस। स्पेयर व्हील ऊपर ही आएगा। और यहाँ पर एक लाइट दी गई है। और इस स्पेयर व्हील और इसको साइड करके इसको उठाएंगे। यहाँ पर नीचे टूल किट आएगी। क्लोज कर देते हैं बूट।
आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो यहाँ डोर पे लेदर फिनिश है और नीचे बॉटल होल्डर और काफ़ी स्पेस दी गई है। स्पीकर्स भी हैं, वाइट स्टिचिंग है और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। स्कफ प्लेट नहीं मिलेगी। और ये है आर्टिगो मैन मेड फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में स्पोर्ट्स सीट। आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग। तीन हेडरेस्ट मिलेंगे और ये आर्मरेस्ट है। और ये रीडिंग लाइट है यहाँ पे, ये सनरूफ। सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं दी गई हैं, काफ़ी स्पोर्टी सीट्स हैं। यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट, साथ में एश्ट्रे। और ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। शानदार 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड। डिज़ाइनर AC वेंट्स हैं। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। यहाँ डोर पे काफ़ी फंक्शंस हैं, नीचे लाइट भी दी गई है, स्पीकर्स हैं, बॉटल होल्डर और काफ़ी स्पेस है साथ में। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। और ये तीन मेमोरी सीट के फंक्शंस हैं, इलेक्ट्रिकल सीट के एडजस्टमेंट्स भी हैं यहाँ पे। वाइट स्टिचिंग। और ये है मर्सिडीज बेंज की स्कफ प्लेट। ये हैं शानदार स्पोर्ट सीट। फैब्रिक और लेदर अपॉल्स्ट्री में। और ये AC वेंट। कार ऑन कर लेते हैं। और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये पेडल्स। डैशबोर्ड पे बीच में चेकर्ड लुक ट्रिम दिया गया है। और आर्मरेस्ट के अंदर काफ़ी स्पेस है, दो USB पोर्ट दिए गए हैं। और ये दो ग्लास होल्डर्स हैं, ये इन्फोटेनमेंट का कंट्रोलर। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट, साथ में एश्ट्रे। और ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। और यहाँ पे काफ़ी फंक्शंस हैं, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, टेलीफोन, ये इन्फोटेनमेंट ऑन करने का बटन। और ये नीचे इको स्टार्ट स्टॉप बटन है, डायनेमिक सेलेक्ट है। तीन AC वेंट्स मिलेंगे, ये चेकर्ड लुक में ट्रिम। और ये है 8 इंच का ऑडियो 20 CD इन्फोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा गार्मिन मैप पायलट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और कई म्यूज़िक ऑप्शंस। ये व्हीकल सेटिंग्स हैं, ये डायनेमिक सेलेक्ट, कंजम्पशन, ओनर्स मैनुअल, टाइम। और ये टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, सिस्टम सेटिंग्स। और ये रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल, एवरेज। रियर व्यू कैमरा, ये शानदार डैशबोर्ड की फिनिश। और ग्लो बॉक्स के अंदर काफ़ी स्पेस है, लाइट भी मिलेगी। और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, लाइट नहीं है। तो यहाँ पर भी रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। और ये है पैनोरामिक स्लाइडिंग सनरूफ।
ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर मिलेगा बट लाइट नहीं मिलेगी। और ये है शानदार 3-स्पोक लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी कंट्रोल्स हैं स्टेयरिंग पे। ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, ये फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कंट्रोल है, ये पैडल शिफ्टर्स, और ये है 7G ट्रॉनिक 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं, और ये है शानदार स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो दिखा रहा है टेम्परेचर, टाइम, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी बीच में चेकर्ड ट्रिम दी गई है। और ये सनरूफ, पीछे की सीट्स, और ये एक फिर से क्लियर लुक डैशबोर्ड का, सारे सिस्टम्स ऑन हैं। काफ़ी पावरफुल हॉर्न है। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं 1600 सीसी पेट्रोल इंजन। ये है इनलाइन 4 सिलेंडर 1600 सीसी डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 122 हॉर्स पावर है, 200 Nm टॉर्क है, 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 8.6 सेकंड्स में, और 202 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है, 15 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से। डीजल में इनलाइन 4 सिलेंडर 2200 सीसी ओएम 651 इंजन आएगा, उसकी होगी 136 हॉर्स पावर, 300 Nm टॉर्क, 210 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड, और वो देगा 18 का एवरेज। मर्सिडीज बेंज ऑयल यूज़ करती है ये क्लास। ये पेट्रोल इंजन M270 कोड नेम का है जो GLA, CLA और B क्लास में भी यूज़ होता है। 122 हॉर्स पावर है इसकी और 200 Nm टॉर्क है। टू किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। मर्सिडीज बेंज ऑयल रिकमेंडेड। तो कैसी लगी आपको मर्सिडीज बेंज ए क्लास, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।